हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिशन खाकी पर। अभी जैसा कि सारे कैंडिडेट जानते हैं कि सीआरपीएफ एससीएम की जो वैकेंसी है वो आपकी आ चुकी है और जल्द ही आपका एग्ज़ाम भी होने वाला है। और सबसे बड़ा जो सिलेक्शन के लिए आपका मेजर पॉइंट है वो टाइपिंग टेस्ट। जिस बच्चे को टाइपिंग अच्छे से आती हो सीआरपीएफ एससीएम में 100% अपना सिलेक्शन ले सकता है, और जिसको टाइपिंग नहीं आती और अभी भी टाइपिंग नहीं सीख रहा है तो सिलेक्शन भूल जाइए, क्योंकि सीआरपीएफ एससीएम की टाइपिंग एक ऐसी टाइपिंग है जो सबसे मुश्किल होती है। जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं, सीएचएसएल का हो या फिर आपका बीएसएफ का हो, सीआईएसएफ का हो, इन सब के अंदर आपकी बैक स्पेस जो है वो खुली रहती है, डिसेबल नहीं होती है, और आपको बैक स्पेस को आप दबा सकते हो। साथ ही आपका इसके अंदर ऑनलाइन टेस्ट होता है, और सीआरपीएफ एससीएम में आपको हो सकता है कि पेपर पे आपको करना पड़े, यानी आपको एक ऑफलाइन शीट दे दी जाए और जब आपको टाइप करना पड़े तो उसके अंदर आपकी जो टाइपिंग स्पीड है थोड़ी कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन। और इसके अंदर आपकी सबसे बड़ी बात ये कि बैक स्पेस आपका डिसेबल होता है। सबसे मुश्किल टाइपिंग टेस्ट सीआरपीएफ का ही होता है। तो आज मैं आपको टाइपिंग के बारे में बताने वाला हूँ कि टाइपिंग आपको कैसे करनी चाहिए। उससे पहले मैं आपको अपनी टाइपिंग दिखा देता हूँ कि मेरी कितनी स्पीड है, तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वैसे मेरे में ये बैक स्पेस अनेबल है क्योंकि सॉफ्टवेयर के अंदर डिसेबल का ऑप्शन नहीं आता, लेकिन मैं बैक स्पेस दबाऊँगा नहीं। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको टाइपिंग कैसे करनी चाहिए। तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेरी 62 WBM की स्पीड आई है और 97.7% की एक्यूरेसी आई है। 8 मेरी गलतियां हुई थी और बैक स्पेस मैंने दबाया नहीं था, इस वजह से वो 8 की 8 गलतियां गिनी जाएंगी। अगर मैं उनको करेक्ट कर देता तो फिर ये गलतियां नहीं गिनी जाती। लेकिन जब भी आप टाइप करें तो आपको कोशिश यही करनी कि बैक स्पेस पे आप हाथ ना मारें, फिर आपकी आदत हो जाएगी कि गलती होगी तो उसको सुधार सकते हैं। क्योंकि मेरी भी यही आदत है कि मैं बैक स्पेस को तुरंत दबा के ठीक कर देता हूँ, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं कर सकते। तो आपको धीरे धीरे टाइपिंग करनी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ टाइपिंग करते वक्त क्या बात ध्यान रखनी है। टाइप आप जब भी करें तो शुरुआत में अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करने की ना सोचिए कि शुरुआत में ही मैं जो है फास्ट टाइप कर दूंगा जिससे मेरी स्पीड बढ़ जाएगी, तो ऐसे आपकी स्पीड जो कम हो जाती है। आपने देखा होगा जब मैंने टाइप किया तो शुरुआत में थोड़ा स्लो टाइप कर रहा था, उसके बाद मैंने अपनी टाइपिंग स्पीड जो इंक्रीज़ करी और बीच में इसी वजह से मेरी टाइपिंग स्पीड जो है वो मतलब गलतियाँ हो गई थी, इस वजह से टाइपिंग स्पीड कम भी हो रही थी। लेकिन जैसे मैंने दोबारा थोड़ा धीरे टाइप करा, केयरफुली टाइप करना, आपको जितनी गलतियाँ करोगे उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड कम हो जाएगी। इसके अंदर कोई स्पीड के नंबर नहीं है कि आपकी स्पीड अगर 50+ होगी तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, अगर आपकी 35 आई तो कम मार्क्स मिलेंगे। तो आपको बस ये बात ध्यान रखनी कि कम गलतियाँ करें, और 30 WBM की 35 WBM मांग रखी इसमें, तो 35 WBM की स्पीड आपकी आ जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको सीआरपीएफ एससीएम से रिलेटेड, टाइपिंग से रिलेटेड, रिटर्न से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि टाइपिंग के बारे में आपको बता सकता हूँ। आप देख ही चुके हैं कि टाइपिंग की स्पीड मेरी कितनी है, तो मैं आपको बता सकता हूँ टाइपिंग के बारे में। और आने वाले टाइम में आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए सीआरपीएफ एससीएम से रिलेटेड या अदर किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप चैनल पर आगे बने रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।